भरतपुर के कामा से खबर। कामा को जिला नहीं बनाने से जनता में आक्रोश। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस। प्रदर्शनकारी राज्य मंत्री जाहिदा खान का घेराव करने के लिए हुए रवाना। जाहिदा खान के आवास का घेराव करने से पूर्व ही पुलिस ने बस स्टैंड पर रोका। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हो रही है नोकझोंक। प्रदर्शनकारी बस स्टैंड पर ही मुख्य सड़क मार्ग पर बैठे धरना देकर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा डीएसपी प्रदीप यादव कर रहे हैं समझाइश। कि क्या कारण रहा है हमारा कामा जिला बनने से वंचित रह गया। और ऐसा जायदा जी को बोल दो साहब जाकर के 24 घंटे के अंदर, या तो जायदा जी गहलोत के आगे जाके ये कहें कि कामा को जिला बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करें। यदि पुनर्विचार नहीं किया तो जायदा जी इस्तीफा दे देंगी। यदि जायदा जी ने ऐसा नहीं किया तो कल हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं पूरी विधानसभा में जाकर के। जायदा जी को हम कामा में नहीं घुसने देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जायदा जी के घर का घेराव करेंगे। अब आप जो मीटिंग करेंगे ये गुप्त मीटिंग रहेगी या? बिल्कुल, हमारी रणनीति तय होगी आगे की। अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। कामा के जिला बनाने के हक के लिए असली आंदोलन की शुरुआत अब हुई है और हम लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक अशोक गहलोत अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे अभी देखते हैं। सारे लोगों को बुला रहे हैं हम लोग, जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं उनको लेकर के आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। 24 घंटे में जायदा जी का टाइम भी पूरा हो जाएगा कि जायदा जी अशोक गहलोत के सामने अपने इस्तीफे के साथ में मांग करती है नहीं करती कामा को जिला बनाने की। क्या जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे मीटिंग में? सबको बुलाना चाहेंगे हम लोग, आए। लेकिन अभी जो संघर्ष समिति की कोर कमेटी की जो मीटिंग है, रणनीति की मीटिंग गुप्त रखी जाएगी, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया जाएगा।